बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सलमान खान लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। वो इसलिए क्योंकि सलमान खान सभी से बोन मैरो डोनेट करने की अपील कर रहे हैं। हालांकि सलमान खान लोगों की भलाई के लिए खूब चैरिटी करते हैं, वह रोज हजारों लाखों गरीब लोगों का पेट भरते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सलमान अपनी बोन मैरो तक दान कर चुके हैं। साल 2010 में उन्होंने एक बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी बोन मैरो तक दान कर दी थी। ऐसा करने वाले वह देश के पहले व्यक्ति बने। उन्होंने खुद बताया था कि उन्होंने एक बच्चे के बारे में पढ़ा था जिसे बोन मैरो की जरूरत थी। उस दौरान उन्होंने मैरो डोनर रजिस्ट्रेशन कराया और बच्चे की जान बचाई। सलमान ने बताया कि उन्होंने बहुत सारे लोगों से बोन मैरो डोनेट करने की अपील की थी। इसके साथ ही अपनी पूरी फुटबॉल टीम से भी उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा था, लेकिन सभी आखिरी समय में मुकर गए। क्या होता है बोन मैरो? बोन मैरो एक तरह से हड्डी का गूदा होता है। यह हड्डियों के अंदर मौजूद एक मुलायम और स्पंजी पदार्थ होता है। यह मानव शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। बोन मैरो की मदद से ही शरीर में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके अलावा बोन मैरो शरीर को स्वस्थ रखने, शरीर के बेहतर फंक्शन को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के साथ साथ सफेद रक्त कोशिकाएं बनाने में भी भूमिका निभाती है। शरीर में ऑक्सीजन के सर्कुलेशन में भी यह मदद करती है। इसके साथ ही प्लेटलेट्स बनाने और रक्त के थक्के बनाने में भी इसका योगदान होता है। अगर किसी व्यक्ति का बोन मैरो खराब हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है। बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता होती है। इसके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। कैसी होती है इसकी प्रक्रिया? सलमान खान ने बताया कि यह प्रक्रिया ब्लड टेस्ट की तरह होती है। इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। जॉन हॉपकिंस मेडिसिन के अनुसार बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्टेम सेल्स को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करके किया जाता है। ये कोशिकाएं या तो रक्त में परिसंचारी कोशिकाओं से ली जाती हैं या बोन मैरो से एकत्र की जा सकती हैं। पेरिफेरल ब्लड स्टेम कोशिकाएं एफरेसिस द्वारा एकत्र की जाती हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट को सेंट्रल नर्व कैथेटर के माध्यम से ब्लड स्ट्रीम में डाला जाता है। यह किसी तरह की कोई सर्जरी नहीं होती है, बल्कि रक्त आधान प्राप्त करने के समान है। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद स्टेम कोशिकाएं खुद बोन मैरो में जाने का रास्ता ढूंढती हैं। नई स्वस्थ रक्त कोशिकाओं का फिर से उत्पादन होना शुरू हो जाता है।